एक तो रोड का हाइट देखिए कितना ज्यादा है और ये बहुत नीचे बना है, ये 100% घोटाला यहाँ पे देखिए, यानी रोड जो है यहाँ से कम 5 से 10 फीट यानी ऊपर है, जो कि यहाँ पे नीचे है। यहाँ पे बनाने से पहले उसको सोचना था कि इस जगह पानी लगता है, पानी लगने से पहले उसको इस जगह बनाना नहीं था। यहाँ पे या तो मिट्टी भरना था या तो इस जगह टेंडर को पास ही नहीं करना था और अदर जगह लोकेशन को चूज करना था। टेंडर को पास किया होगा, वो टेंडर को जो है पैसे का बदले यानी पीसी खा के इस तरह इस जगह बनाया है, जो कि यानी आप देख सक रहे हैं, यानी उप स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ है। प्रभारी भी नहीं देखने आता। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि इस वीडियो का आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि यहाँ के पूर्णिया जिला के DM कुंदन कुमार तक ये वीडियो पहुंच सके और इसके बारे में यानी थोड़ा जान सके और इस पे ध्यान दिया जा सके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अजय कुमार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। अभी हम जिस जगह हैं ये बिहार पूर्णिया जिला जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत, अभी यहाँ पे ये जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ है, जो कि इस जगह बनाया है जो यहाँ का इंजीनियर, जिस जगह की यहाँ पे 15-20 दिन पहले ही पानी पड़ा है, अभी यहाँ पे पानी पड़ा नहीं है। आप इस जगह देख सकते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बनता है यानी गांव के आसपास लोगों को, यानी कोई भी अगर स्वास्थ्य सुविधा अगर उसको जानना है या लेना है, जानना है, डॉक्टर से मिलना है, तो इस जगह पहुंचता है। लेकिन इस जगह ऐसा है कि उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं, यहाँ पे पानी ही पानी है। तो आप समझ सकते हैं इस जगह का जो है यानी प्रभारी जो है, यानी प्रभारी अभी तक यानी इसको नजर नहीं आया है कि किस जगह बनाया है, और इंजीनियर इस जगह जिस जगह पास किया था, इस जगह पास करने का कोई, लेकिन फिर भी इस जगह बात किया। यहाँ पे इसके बगल में लग रहा है कि बाढ़ इलाका है, यहाँ पे बाढ़ इलाका नहीं, यहाँ बारिश से पानी से इस कारण से यहाँ बना हुआ है और सरकार के लागत से यानी लाखों रुपया का बना हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र एक पंचायत स्तर पे होता है, जो कि उस पंचायत का यानी सभी पंचायत के लोग को सभी सुविधा मिल सके। लेकिन इस जगह सुविधा क्या मिलेगा, यहाँ पे पानी में तो कोई आज से लग रहा है यानी 2-3 मंथ से, यानी कभी भी जितना दिन से बना है उससे पहले आज तक यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। तो इस जगह देख सकते हैं स्वास्थ्य उप केंद्र जलालगढ़, ये जलालगढ़ में इस जगह जो है ये लग रहा है ये बहुत दिनों से ये ताला जो लॉक है, और इस जगह यानी कोई भी मुखिया प्रतिनिधि जो होता है उसका दायित्व बनता है कि इस पंचायत में उसके निगरानी में यानी उस जगह का वो मुखिया होता है, तो उसके नजरों के सामने इस तरह पानी में डूबा हुआ है। और इतना ही नहीं, यहाँ इसके जस्ट बगल में आधा किलोमीटर दूरी होगा जो कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ है, लेकिन उसका प्रभारी को भी यहाँ के बारे में पता नहीं है किस जगह यानी उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, बनाया भी गया है इस जगह की, ताकि इस जगह का आदमी को यानी कोई प्रॉफिट नहीं हो, कुछ भी नहीं मिले, लेकिन यानी इस जगह ठेकेदार को यानी बजट मिला और सिर्फ ठेकेदार को क्या था, सिर्फ मिल गया, वो अपना पैसा लिया और किसी भी उसको बोले जंगल में बनाने या पानी में बनाने के लिए उस जगह भी इसको बना देता है। तो चलिए हम जानते हैं इस जगह थोड़ा स्थानीय लोगों से, इस जगह बनाने से यानी जनता को इस जगह का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। आप देख सकते हैं किस तरह पानी है, पानी से भी यानी क्या बताएं, इंजीनियर कहाँ से आया होगा वो भी पता लग रहा है ऐसे कि इंजीनियर जो है यानी पढ़ा लिखा नहीं था। इंजीनियर के साथ साथ इसका प्रभारी जो यानी टेंडर को पास किया होगा, वो टेंडर को जो है यानी पैसे का बदले यानी पीसी खा के इस तरह इस जगह बनाया है, जो कि यानी आप देख सक रहे हैं यानी उप स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ है। ये हर एक पंचायत में, ये बिहार सरकार का रूल है कि यानी सभी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए ताकि उस जगह का जो है सभी यानी कोई भी स्वास्थ्य सुविधा यानी ले सके, उस जगह दवाई, गर्भवती महिला है वो भी अपना अगर कोई जरूरतमंद अगर सामान हो तो वो गर्भनिरोधक यानी कुछ भी हो तो वो आके आसपास का यानी इस जगह डॉक्टर उससे यानी जानकारी ले सकता है। लेकिन यहाँ तो जानकारी क्या लेगा, यहाँ पानी में डूब रहा है जो कि बारी लगा नहीं फिर भी है। तो चलिए इस जगह हम स्थानीय लोगों से थोड़ा जानते हैं, आप बताइए। एक तो रोड का हाइट देखिए कितना ज्यादा है और ये बहुत नीचे बना है, ये 100% घोटाला है। यहाँ पे देखिए, यानी रोड जो है यहाँ से कम 5 से 10 फीट यानी ऊपर है, जो कि यहाँ पे नीचे है। यहाँ पे बनाने से पहले उसको सोचना था कि इस जगह पानी लगता है, पानी लगने से पहले उसको इस जगह बनाना नहीं था। यहाँ पे या तो मिट्टी भरना था या तो इस जगह टेंडर को पास ही नहीं करना था और अदर जगह लोकेशन को चूज करना था, लेकिन फिर भी यहाँ का तो क्या, यहाँ का आदमी को यानी कोई भी सुविधा मिल रहा है, कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है, काफी दिक्कत में है। देखते हैं कितना बारिश का पानी लगा वैसे और गंदगी फैलने से बीमारी फैलेगा और इधर जाएगा कौन, रास्ता ही नहीं। तो देखिए यहाँ का यानी कोई भी अगर जनप्रतिनिधि या यहाँ का कोई प्रभारी यानी जो है वो सब इस पे कोई ध्यान दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि आने जाने रास्ता है सब कुछ, मतलब एक अंधा भी देखे ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई देख नहीं रहा इसको। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद इसीलिए है कि ताकि यानी आप सुने हैं कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव वो कहते हैं कि पटना में कभी न कभी रात में निरीक्षण करने नहीं चले गए हैं, यानी अगले ताकि देखिए वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिला, ये नहीं मिला। और लेकिन यहाँ बगल में जो है यहाँ पे इस तरह का है, क्या सिर्फ पटना में ही इस तरह घटना होता है, नहीं, ये बिहार में यानी पूर्णिया जिला जलालगढ़ प्रखंड यहाँ पे भी होता है। लेकिन इस जगह यानी यहाँ का
हॉस्पिटल का प्रभारी भी नहीं देखने आता। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि इस वीडियो का आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि यहाँ के पूर्णिया जिला के DM कुंदन कुमार तक ये वीडियो पहुंच सके और इसके बारे में यानी थोड़ा जान सके और इस पे ध्यान दिया जा सके। इतना ही नहीं, इस यानी इलाके के यानी जलालगढ़ प्रखंड का सभी जगह इसी तरह उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, सभी जगह कहीं पे जंगल पड़ा है तो कहीं कुछ नहीं, उसका कोई भी यानी उपचार में रूप से यानी कोई भी आदमी को यानी जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो कितना शेयर कीजिए ताकि इस पे शासनिक कार्रवाई किया जा सके। धन्यवाद।